और इधर लखनऊ पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह का कहना है कि मोदी सरकार किसानों और गरीबों को समर्पित सरकार है। किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ रुपए डाले गए। 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती के अवसर पर पीएम 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी किसानों से संवाद भी करेंगे। इसी संदर्भ में विधायकों और अन्य पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे हैं। मोदी सरकार किसानों के लिए, गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। ये किसान सम्मान निधि योजना जो देश में प्रारंभ किया गया, अभी तक 10 करोड़ किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ रुपए डाले गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी योजना। 25 दिसंबर जो अटल जी का जन्मदिन है, उस दिन प्रधानमंत्री जी देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर करेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जितने ब्लॉक मुख्यालय, लगभग 826 ब्लॉक मुख्यालय, और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल हैं, उन सभी मंडलों पर 11 बजे किसान इकट्ठा होंगे और 12 बजे प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनेंगे। उसी दृष्टि से मैं आज विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, सांसदों से और पार्टी के पदाधिकारियों से आज बात कर रहा हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।